आयोजन करने का जो उद्देश्य था या जो भी संदेश जो हम देना चाहते हैं अपने दलित साथियों को और बाकी सामान्य जनता को भी, वो यही कि थोड़ा सा हम इतिहास जानने की कोशिश करें और ये हम अध्ययन करने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि जो भी वर्तमान परिस्थितियां उसमें प्रासंगिक कैसे बदल जाए। बहुत ज्यादा हमको ड्रीम करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि अगर हम प्रासंगिक बनने के भी हम प्रयास कर ले और उसी में हम सफलता प्राप्त कर ले तो मैं समझता हूँ अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे स्वामी अच्युतानंद जी की, जैसे भाई उमलेश जी ने बताया कि अम्बेडकर को समझ लो तो अच्युतानंद जी को समझ सकते हैं। अच्युतानंद जी का हमको जीवनी को समझना होगा, मैं समझता हूँ हर दलित कार्यकर्ता को ये समझना होगा, तो उसको कार्यकर्ता बनना ही होगा और समाज सेवा करनी ही होगी और सभी समाज का, दलित समाज का कल्याण हो सकता है, उसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं। अगर वो सोचता है कि बिना गली नुक्कड़ में जाए, बिना लोगों के बीच में जाए, बिना समाज सेवा करे मैं कुछ भी परिवर्तन कर दूंगा या मैं कुछ भी प्राप्त कर लूंगा, मैं समझता हूँ वो अपने आप को धोखा देने के बराबर हो, उसके अलावा कुछ नहीं। चंद्र साहब क्या लगता है, जिस तरह से बाबा साहब बड़े सम्मानित शब्दों से उनको पत्र लिखा करते थे, जैसा कि आपने मन से भी कहा, बाबा साहब ने अपने इतिहास में उनके बारे में बताया लेकिन समाज के बारे में उनके बारे में बहुत कम आकलन है। मैं समझा नहीं प्रश्न को, किसके बारे में मैं अच्युतानंद जी की बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है, बहुत कम जानता हूँ। उसका कारण क्या है कि कहते हैं कि जिस समाज का इतिहास मिटाना उस समाज का इतिहास मिटा दो, साहित्य मिट जाएगा तो इतिहास मिट जाएगा। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि भाई ऐसा है, इतनी बड़ी महान शख्सियत के बारे में समाज क्यों नहीं जाना। उसका कारण सिर्फ एकमात्र यही है कि उनका साहित्य मिट गया, उनका साहित्य उपलब्ध नहीं था और लोग, उन्हें काम तो बहुत करा लेकिन प्रचार प्रसार नहीं किया। जो स्वामी जी की सबसे अनुग्रहपन जो था, वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मोहल्ले मोहल्ले जाते थे और ना केवल करते थे बल्कि उसका बखान भी करते थे, उसका प्रचार भी करते थे, जिससे और लोग मोटिवेटेड होते थे, प्रेरित होते थे, समाज की सेवा करते थे। प्रचार कैसे किया है, प्रचार क्या माध्यम हो सकता है? जैसे स्वामी जी ने करा, स्वामी जी उस जमाने में अखबार निकालते थे आज हिंदू, आज तो कोई अखबार नहीं पड़ता, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं तो समाज, अगर मान लीजिए आप किताब नहीं भी पढ़ते, सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया को एक्सेस करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके नुक्कड़ सभाएं करिए और उसके मार्फत से अपने विचारों को पास ऑन करिए समाज के बीच। लगता है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी सभा यहाँ पर हुई है, आपको लगता है कि आप जो एक कल्पना लेकर चल रहे हैं या जो मूत्र इस कार्यक्रम को देना चाह रहे हैं अच्युतानंद जी के बारे में, उसको आप साकार करने में सफल हो पाएंगे? देखिए हमारी तो, देखिए जो भी कार्य किया जाता है आशा से ही किया जाता है और हमारी तो यही आशा है कि यहाँ से चंद लोग स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर के समाज सेवा के मैदान में आने का प्रयास करेंगे, ना कि विषय मतलब किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार या प्रसार करेंगे। राजनीति तो होगी, दलित देखिए राजनीति तो निश्चित होती है, वो तो स्वामी जी के आंदोलन में भी होती थी। पहले स्वामी जी के जो सम्मेलन हुआ करते थे, दो दिन या तीन दिन चलते थे, पहले दिन समाज सेवा हुआ करती, सामाजिक मुद्दों के बातों की, अगले दिन राजनीतिक बैठक हुआ करती, उसके अंदर जो है मतलब राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बातें हुआ करती, राजनीतिक अधिकारों के ऊपर बातें हुआ करती। लेकिन आज विडम्बना यह है कि हम लोग सीधी राजनीति की तो बात करते हैं, समाज सेवा की बात नहीं करते। मेरा मानना है समाज सेवा करिए, उसके बाद आप राजनीति करना अपने आप सीखिए। सिर्फ क्वेश्चन है, पहले हुआ सा जो हुआ, अब स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर का जो शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, अब कैसे चाहेंगे करना, उनको कैसे प्रचार प्रसार हो? देखिए सबसे उसी कड़ी में आज हमने ये स्वामी जी की जो जीवनी है 70 साल के बाद हमने छापी है और इसी उद्देश्य से छापी है कि लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे और स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने के लिए आगे। और ये जो आज जो पहला जो कार्यक्रम है ये पहला और आखिरी नहीं है, इसी प्रकार के सेमिनार सिंपोजियम्स होते रहेंगे स्वामी जी के विचारों, क्योंकि स्वामी जी के विचार ना केवल उस वक्त रेलेवेंट थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने ये 1920 में या 1910 में या 1912 में या 1930 में प्रासंगिक थे। उसके लिए हमको स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना है, इसी प्रकार की गोष्ठियां करनी होगी, स्वामी जी के विचारों को साझा करना। कुछ विचार बताइए हमारे दर्शकों के लिए स्वामी जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, प्रासंगिक बनने की कवायद, कैसे प्रासंगिक बना जा सकता है? और अगर हम, वो समाज सुधारक थे, समाज के अंदर सुधार चाहते थे, किस तरह का वो सुधार चाहते थे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले इस साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सभी दलित जातियां जुड़ी थी स्वामी अच्युतानंद जी के आदि आंदोलन। ये न केवल सारी दलित जातियां थी, इसमें खड़ी भी थे, भंगी भी थे, चमार भी थे, धोबी भी थे, कंजर भी थे, पासी भी थे, सारी दलित जातियां। लेकिन आज हम देखते हैं विडम्बना इस बात की है, जाति
मूलक संगठन बन गए, कोई चमारों का संगठन बन गया है, कोई वाल्मीकि भंगी का संगठन बन गया, कोई खटिकों का संगठन बन गया। मुझे समझना होगा, मैं समझता हूँ आज ये स्वामी जी की जो सभा हुई है इसके बाद लोग इस बात के मर्म को समझेंगे कि एकता में शक्ति है, और स्वामी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और तभी हम स्वामी जी का जो कार्यक्रम है उसको हम सफल बना पाए। आपने सुना किस तरह से रविचंद्र जी ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज देने की जो कोशिश की है, स्वामी अशोकानंद जी क्या चाहते थे?